हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी के उपवास स्वीकार करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा से, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे। और हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, आप सदा मुस्कुराते रहें। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कान्हा जी की कथा। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं। और कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन उन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे कि तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है, चाहो तो तुम इसे ले लो। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं वहां पर कथा सुना रहा हूंगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त रहेंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की ये बात मान गया और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया था। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा, वो अक्सर वहां आया करता है। वो हीरो जवाहरातों से सदा लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहां से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है और वो जहाँ रहता है वो जगह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बांध कर दे दो। पत्नी ने थोड़ा सत्तू बांध कर उसे दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से ये संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही वापस आऊंगा। अब वो पैदल ही टूटे चप्पलों में वहां से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप उसे ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है और उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर ले आऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास वाली झाड़ी में ही छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी कान्हा जी से बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं,
अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और वे आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहां पर वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, चोर एकदम से झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है रे। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने तो हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। बड़ा खुश था कि आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर लाया हूँ कि अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चोर बड़ा खुश होकर अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगा और पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब वह चोर बोला, पंडित जी आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था और मैं तो उसको ही लूट कर ले आया हूँ, और ये रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उसका पता बताया था ना, इसलिए ये आधा हिस्सा अब आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ, बोले, अरे भाई मैं इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, इतने साल से पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखता है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ ही वे दोनों अब वृंदावन में पहुंच चुके थे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हें झाड़ियों के पास ले गया जहां वह छिपा हुआ था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ ही उस झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से दोनों की बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहीं आ गए। देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वो तो फूट फूट कर रोने लग गए। पंडित जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कान्हा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तब पंडित जी वापस अपने होश में आए और उस चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले कि भाई हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, और आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। तो ऐसा है ठाकुर जी का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए वो जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे हरे कृष्णा। अब सुनिए परिवर्तनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने श्री ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज फिर बोले कि भगवान
मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण अब कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी किया करता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर धनराज युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से तीन पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको तीन लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक तो पूर्ण हो गए, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, अक्षत और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को आज के दिन पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें हजार अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गाय का दान करने के बाद मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधान है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करते समय अन्न से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा भी रखना चाहिए, जिसे अगले दिन द्वादशी तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, अब क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हुए भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान को ही समर्पित एक और कथा का रसपान हम सभी करेंगे। जिस भी व्यक्ति के मन में मोक्ष प्राप्ति की कामना हो, जो भक्त इस भवसागर के बंधन से तर जाना चाहता हो, उन्हें आज के दिन भगवान श्री विष्णु की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूं
कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा, दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए, उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए, दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी, एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रोध होकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी ना बाहर।
वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी, प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता, वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा, उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया, नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने
उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।